हमारे यहाँ युवा भाई जो भी हैं वो नशे की तरफ जा रहे हैं, जुए की लत पड़ी हुई है। मैं सभी युवा भाइयों से अपील करता हूँ कि अपने आप को खराब ना करें एक दूसरे को। आजकल नई यंग पीढ़ी सारी खराब हो चुकी है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर मुझे हसनपुर वालों ने इतना प्यार और मेरे वार्ड वासियों ने मुझे इतना प्यार दिया तो मैं इस हसनपुर में एक फ्री जिम खुलवाऊंगा। नमस्कार, न्यूज एनसीआर की ग्रामीण यात्रा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रताप चौधरी। और ग्रामीण यात्रा के तहत आज हम पहुंचे हैं हसनपुर खंड में, और यहां पर जिला परिषद, ब्लॉक समिति और सरपंच पद के चुनाव हैं, यानी कि 22 नवंबर और 25 नवंबर को। नॉमिनेशन फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए हैं, लोग अपने अपने दल बदल के साथ में नॉमिनेशन फॉर्म भरने जा रहे हैं, शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, लोग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन कहां से कितना मजबूत है। ऐसे ही हमारे साथ में एक बहुत ही युवा साथी हैं राहुल जी, जो कि ब्लॉक समिति के चुनाव के लिए इस बार उन्होंने ताल ठोकी है। ब्लॉक समिति यानी कि सरपंच और जिला परिषद के बीच की एक परिधि होती है, जो कि दोनों में के बीच में सामंजस्य बिठाने का काम करता है, और बहुत इंपॉर्टेंट रोल ब्लॉक समिति सदस्य का होता है। राहुल जी से सबसे पहले तो हम आपको बहुत बहुत स्वागत करते हैं सर। नमस्कार सर आप। और सबसे पहले तो मैं ये चाहूंगा कि यहाँ के जो लोग हैं, जो आपके वार्ड के जो लोग हैं, वो सर, अच्छे से आपको समझें, जाने आप कितने शिक्षित हैं, आप क्या करते हैं, जी तो थोड़ा सा अपनी पृष्ठभूमि आप बताएं। सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऐसा हुआ है कि हमारे यहाँ पहले से ही कोई भी युवा आगे नहीं आ पाया इस चीज में खड़े होने के लिए कि भाई युवाओं को, युवाओं की सोच को युवा ही समझ सकता है कि युवाओं के साथ ही होना चाहिए कि भाई युवा युवा की चीज को पकड़कर युवा की चीज को आगे लाए, समाज को उस चीज के बारे में अवगत कराए। राइट। तो मैंने इस चीज को देखते हुए, अपने युवा भाइयों की सोच को समझते हुए ये निर्णय लिया कि एक छोटी सी सीढ़ी पहले ब्लॉक समिति एक छोटी सी सीढ़ी पहले पकड़ के उसमें अपने भाइयों का साथ दूं, अपने गांव का विकास करूं, अपने गांव का प्रतिनिधित्व करूं। कि ऐसा है कि ब्लॉक समिति एक हाफ आधा वार्ड हो जाएगा, बिल्कुल उसमें आधा गांव हो जाएगा, आधा सिस्टम बन जाएगा कि हाँ लोग ये देख पाएंगे कि इसने कुछ काम किया है आगे। तो इस वजह से मैंने सोचा कि पहले ब्लॉक समिति से करते हुए आगे अपना देखते रहेंगे। बिल्कुल सही बात कही, और सीढ़ी दर सीढ़ी ही इंसान अगर कदम बढ़ाकर चले तो जल्द ही, क्योंकि एक नॉलेज के साथ उसको एक पता चल जाता है कि उसके कार्य क्षेत्र में कार्य किस तरह का है, उसके वार्ड में किस तरह के काम है, सरपंच, ब्लॉक समिति, फिर सरपंच पद, और फिर उसके बाद जिला परिषद। तो सीढ़ी दर सीढ़ी इंसान को अगर चढ़े तो वो जरूर कामयाब होता है। मैं जानना चाहूँगा कि ब्लॉक समिति जैसे जिला परिषद और सरपंच के बीच की एक कड़ी है, तो किस तरह से आपके कार्य क्षेत्र रहेगा, कैसे उन कार्यों को करेंगे, और आपके कितने गांव से जो जो आपका क्षेत्र है उसमें कितने वार्ड हैं आपके अंदर में? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो हसनपुर में दो वार्ड हैं ब्लॉक समिति के, 18 और 19। जी मैं 19 वार्ड से हूं जिसमें 11 से 20 तक है। जी तो 11 से 20 में लगभग 3500-4000 के करीब वोट हैं। वोट है जी। तो सर रही बात ये जो जिला परिषद और सरपंच जी के बीच की जो कड़ी की आप बात कर रहे हो, मैं मानता हूँ कि बीच की कड़ी है, पर इसको कोई समझने वाला नहीं है, ये बहुत अहम होती है। बहुत अहम होती है, बिल्कुल। ये दोनों चीजों को पकड़ कर चलती है, इधर सरपंच जी को भी चलेगी और इधर जिला परिषद को। अब दोनों अगर बीच वाली चीज हट जाएगी तो आगे कुछ नहीं पकड़ा जाएगा। तो बात ये है सर, ब्लॉक समिति, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं कि ब्लॉक समिति एक बहुत ही अहम चीज होती है, अगर इसको अगर लोग समझे ना तो बहुत बड़ी चीज है। ब्लॉक समिति का फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे चेयरमैन बनता है, हमारे यहाँ जितने भी ब्लॉक समिति, फर्स्ट ऑफ ऑल एक चेयरमैन चुना जाता है। तो चेयरमैन चुनने के बाद अगर वो मेंबर शिक्षित हो, अगर अपना अधिकार जानता हो तो वो सरपंच से भी ज्यादा, जिला परिषद और उससे, जिला परिषद का तो बहुत बड़ा इलेक्शन हो जाता है एज एमएलए, पर उसको इतनी पावर नहीं मिल पाती, पर जो ये ब्लॉक का है एक छोटी सी पावर है और बहुत बड़ा ब्लास्ट है। तो ठीक है, मैंने सोचा कि ब्लॉक समिति में काम क्या है कि भाई सरपंच का और इसका काम जो सरपंच नहीं करता वो काम वो ब्लॉक समिति से हम डायरेक्ट करा देते हैं उस काम को। नालियां हुई, लाइटें हुई और रास्ते हुए, फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ भी एक्स वाई जेड, यहाँ तक कि जॉब भी जो निकलती है ना डीसी रेट पे, उनको भी हम इसके थ्रू इसमें अंदर करा सकते हैं। बिल्कुल सही बात कही, क्योंकि सबसे जरूरी है जानकारी। अगर जानकारी का अभाव आपके पास है तो आप कोई भी काम नहीं कर पाएंगे।
और ब्लॉक समिति वो कहते हैं कि छोटा बम बड़ा धमाका, वो वाली चीज है जी, जी, जी। और अगर ये अपने सही से अनुसरण करें और इनको अगर अपनी काम की अगर अच्छे से जानकारी हो तो चाहे वो जिला परिषद हो चाहे वो सरपंच हो, किसी से भी काम निकलवा के अपने युवा साथियों के लिए एक मदद कर सकते हैं और अपने क्षेत्र के लिए मदद कर सकते हैं। राहुल जी, आप खुद युवा हैं और बहुत कम एज में आप राजनीति के क्षेत्र में कदम रखने की कोशिश कर रहे हैं, सफर बहुत लंबा है अभी जी। और अभी तो आपने शुरुआत की है, एक शिक्षित होने के नाते आप पढ़े लिखे भी हैं, तो आपको क्या लगता है कि युवाओं के लिए अब जैसे अब देखिए हमारे इस क्षेत्र में देखें तो ज्यादातर युवा एक मिलिट्री की तरफ रुख करते हैं, इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि सारे शायद ऑप्शन ही खत्म हो जाते हैं बच्चों के पास, खेल कूद में नहीं पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं क्योंकि उनको ये लगता है कि भाई हमें रोजगार मिलिट्री में जाके मिल जाएगा, बिल्कुल उसी बिल्कुल। के लिए जो दौड़ भाग करनी है वो बेचारे वहीं तक सीमित है, तो उनके लिए आपके मन में क्या क्या योजनाएं हैं? सर, युवाओं के लिए मेरे असलियत क्या है कि सीडी है ब्लॉक समिति की, मेरे दिमाग में और सोच तो बहुत बड़ी है, बिल्कुल मैं करना तो बहुत कुछ चाहता हूं पर क्या करूं, मेरे युवा भाइयों ने मेरा साथ दिया तो मैं ऐसा दिखा के करके दिखाऊंगा हसनपुर में के इतिहास रहेगा कि हसनपुर में ऐसा भी हुआ कभी जी, कुछ जी। युवा भाइयों से मैं एक अपील करता हूं, हमारे यहाँ युवा भाई जो भी हैं वो बहुत ही मतलब उसकी तरफ जा रहे हैं, नशा की तरफ जा रहे हैं, नशे की तरफ जा रहे हैं, जुए की लत पड़ी हुई है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो ये चाहता हूं कि मैं अपने सभी युवा भाइयों से अपील करता हूं कि अपने आप को खराब ना करें, ये जुआ और ये क्या कहते हैं शराब गांजा ये सब चीज बहुत चल रही है, इसमें क्या है कि लोग एक दूसरे को आजकल नई यंग पीढ़ी सारी खराब हो चुकी है जी, जी। मैं चाहता हूं पहले तो लोग अपना एक्सरसाइज करें, क्योंकि मैं खुद भी एक जिम पसंद करता हूं करना जी, जी। मैं चाहता हूं कि मैं लोगों से कहता हूं कि अपना पहले तो कहते हैं कि गांव में कहावत है सबसे पहला सुख निरोगी काया, निरोगी काया बिल्कुल, तो पहला सुख चाहिए निरोगी काया। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर मुझे हसनपुर वालों ने इतना प्यार और मेरे वार्ड वासियों ने मुझे इतना प्यार दिया तो मैं हसनपुर में एक फ्री जिम खुलवाऊंगा। अरे वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, फ्री जिम खुलवाऊंगा। पहला इंटरव्यू ऐसा है जिसमें किसी युवा साथी ने इस तरह की बात कही है, तो बहुत अच्छी बात है जी। और सर बनाने की बात तो ये है कि इन्होंने अगर प्यार भी दिया ना मैं संतुष्ट हुआ, बना दो किस्मत तो बनाने वाला है, ऊपर पता नहीं क्या विधाता ने क्या लिख रखा है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं अपने युवा और आपके कर्म भी है, मैं अपने युवा भाइयों का साथ नहीं छोड़ूंगा, मैं जब भी दूंगा उनके मैं सौगात दूंगा। बहुत बहुत बढ़िया राहुल जी, ये सोच कैसे आई है आपकी? मतलब आप देखिए अच्छे अच्छे परिवार से हैं, पढ़े लिखे हैं, तो आपको क्या लगा कि एक राजनीति की शुरुआत करनी चाहिए और ब्लॉक समिति से स्टार्टिंग होनी चाहिए? सर मैं बताऊं, सर बात ये है कि राजनीति हमारे यहाँ एक बहुत ही नीचे गिरी हुई है, उसको उठाना चाहता हूँ जी, उसको चाहता हूँ कि राजनीति का मतलब मुद्दा ये है कि बहुत सी चीज ऐसी है, मैं वार्ड में जाता हूँ मैं देखता हूँ कि कोई कहता है कि भैया मेरा 19 साल से राशन कार्ड नहीं बना, कोई कहता है कि भैया मेरा घर मकान देख लो मेरा वो नहीं हुआ। सर मैंने बहुत कोशिश की है कि मैं ऐसा कुछ कर सकूं बनने से पहले भी कि लोग ये कहें, मैं आज भी लोगों से यही कहता हूं कि अगर आपको मेरा काम अच्छा लगे तो मुझे वोट दो, मैं पहले करूंगा, मैं आज भी करूंगा, ठीक बात है, मैं आज भी करूंगा, उसके बाद वोट दो। बिल्कुल, बहुत युवा जोश है और बहुत अच्छी बातें आप कर रहे हैं और बड़ा अच्छा लगता है जब इस तरह के एक कम उम्र के एक युवा को इस तरह से जोश के साथ में आगे बढ़ने की वो कोशिश करता है, राजनीति के क्षेत्र में अपना पैर जमाने की कोशिश करता है। देखिए हमारे देश में लगभग 80% युवाओं युवा हैं और युवा देश के विकास की रीढ़ की हड्डी होता है, और आज तक हमारे बड़े बूढ़े या और बुजुर्ग जो है राजनीति करते आए थे और एक मोनोपोली उन लोगों की चलती थी, लेकिन अब सब कुछ समय बदल रहा है, चीज़ें चेंज हो रही हैं, युवाओं का अब बोलबाला है। अंत में मैं राहुल जी यही कहूँगा कि आपके जो वार्ड हैं जो आपने बताया उस उन लोगों से उन जनता से युवाओं से, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि युवा आपका सबसे ज़्यादा साथ देंगे, तो उनसे अगर कोई आप हमारे चैनल के माध्यम से अपील करना चाहें, उनसे कोई अनुरोध करना चाहें तो प्लीज़। मैं अपने युवा भाइयों से मैं अपने वार्ड की जनता से एक ही अपील करना चाहता हूँ कि शायद मैं इतने काम कर दूंगा कि आगे से आप मुझे घर बैठने के लिए नहीं कहोगे, कहोगे कि फील्ड में रहो काम करो,
मैं इतने मैं मुंह से नहीं कहना चाहता, मैं करके दिखाऊंगा जी। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं, अपने वार्ड वासियों से हाथ जोड़कर विनती है 22 तारीख को अपने भाई को भारी वोटों से विजयी बनाएं, जिससे कि मैं आपके बीच में रहकर अपना काम कर सकूं और आपको कभी निराश ना होने दूंगा। अगर निराश हुआ तो मैं अपना ब्लॉक समिति का मेंबरशिप बीच में छोड़ दूंगा। अगर मेरा कोई भी अगर मेरा साथी या मेरा कोई भी वार्ड मेंबर मेरे से ये कहेगा कि भाई इस चीज में आपने खरे नहीं उतरे, आप इस चीज को, मैं रास्ते में छोड़ दूंगा। बहुत। और सर रही बात इसकी के खाने वाली, कहते हैं कि लोग वार्ड में मतलब कुछ लोग राजनीति को खाने के लिए आते हैं, तो मैं राजनीति को खाने के लिए नहीं आया, शुद्ध राजनीति करने। मैं शुद्ध राजनीति, चाहे मेरे लाख दो लाख मेरी जेब पे लग जाइयो जी, मैं वहां में अपने खुद खर्च कर दूंगा पर खाऊंगा ना आराम से। यू भी धर्म और ईमान की बात। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा जोश देखने को राहुल जी के अंदर मिल रहा है। और देखिए पीछे भी आप पूरी टीम देख सकते हैं कि पूरी युवाओं की टीम है, बड़े अच्छे अच्छे नौजवान यहाँ पर बैठे हैं। तो जब इस तरह की टीम, एक मजबूत टीम लेकर आप चल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि जीत आपकी होगी। बाकी रहा वार्ड की जनता के ऊपर और आपके भगवान ने जो किस्मत में लिख रखा है, लेकिन हम तो ये कहेंगे मेरा रंग दे बसंती चोला युवा साथी है। एक भगत सिंह भी थे कभी, उस टाइम पर उन्होंने हुंकार लगाई तो उन्होंने देश का इतिहास बदल दिया। तो एक हसनपुर से एक छोटे से पद के लिए जरूर खड़े हुए हैं, लेकिन इतिहास जो इंसान बदलता है वो ऐसे ही धीरे धीरे बदलता है और अपने कर्मों के आधार पर बदलता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये कम उम्र में इतनी चीज़ों को सीख गए हैं, इनको इतना ज्ञान हो गया है कि ये आपका विकास तो संभवतः कर सकते हैं। तो हमारे युवा साथी बैठे हैं, तो आप लोग क्या कहेंगे जी? हम यही कहेंगे जी, जो हमारे राहुल चौधरी जी हैं, एक एक हमारे उभरते हुए सितारे हैं जी, युवा हैं, और देश के अंदर जब जब क्रांति लाए वो युवा लाए। बिल्कुल सही बात। मंगल पांडे जी जब देश आजाद हुआ तो उन्होंने सबसे पहले क्रांति के कारक बने। बिल्कुल। भगत सिंह जी क्रांति के कारक बने जी। युवाओं ने देश में जब आमूलचूल परिवर्तन हुआ जी, तो युवाओं की भागीदारी सबसे आगे रही है जी जी जी। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो हलका है ये भ्रष्टाचार की बेड़ियों से जकड़ा हुआ है जी। यदि भ्रष्टाचार की बेड़ियों को तोड़ने का काम कोई करेगा तो वो युवा है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कितना मजा आ रहा है आज यहाँ पर इंटरव्यू लेके इन युवाओं के अंदर। और सबसे अच्छी बात यह है कि कितना अच्छा बोलते हैं, कितनी अच्छी इनकी सोच है, इनको जानकारी है, इनको नॉलेज है अपने देश की, इतिहास की। तो मुझे लगता है कि आप सभी को इन पर विश्वास इस बार जरूर करना चाहिए और इनको आगे बढ़ाना चाहिए। इसी तरह से अगली कड़ी में किसी और उम्मीदवार के साथ हम इसी तरह से बातचीत करेंगे, आपको रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार, धन्यवाद। राम राम। ब्लॉक समिति सदस्य राहुल चौधरी जी जो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, उनके ही वार्ड के कुछ ये समाज के उस तबके के लोग हैं जिनको, जो ज़रूरतमंद हैं और जिनको बहुत आवश्यकताएं भी हैं। लेकिन समाज के कुछ ऐसे राजनीतिक लोगों ने जो स्वार्थ के कारण इन लोगों को आज भी वो जीवन जीना पड़ रहा है, आज भी इन लोगों को मूलभूत सुविधाओं से पीछे रहना पड़ता है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ अपने स्वार्थ के चलते इन लोगों को कभी भी आगे बढ़ने ही नहीं दिया। इन लोगों से ही सुनेंगे, इन लोगों से ही जानेंगे कि असल में इनको किस किस तरह की समस्याएं आती हैं और अब किसके ऊपर ये उम्मीद लगाए बैठे हैं। आपका नाम क्या है जी? हरी सिंह। हरी सिंह जी, क्या क्या समस्याएं, किस तरह की समस्याएं आती हैं ये ना तो हमें कोई पूछो ही ना जाए काई बात में। अच्छा, हम तो राहुल चाहेंगे। नहीं नहीं, चलिए राहुल जी को तो आप चाहते हैं, लेकिन समस्या क्या है आपकी? समस्या क्या पूछा जा रहा? कोई रोजगार नहीं है, कुछ नहीं है। अच्छा, खाली नहीं। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 61 साल की। 60 साल। अभी आप काम करने में सक्षम हो? लेता हूँ थोड़ा बहुत। अच्छा, छोटा मोटा। अच्छा, हाँ। चलिए, आपका नाम बताइए जी। सुभाष। मेरा नाम सुभाष जी। आपको क्या समस्या है? हम तो 6-6 हजार रुपया में काम कर रहे हैं जी, हसनपुर में। अच्छा, 6 हजार रुपये महीना में झाड़ू लगा के आवे हैं। हाँ। और कोई ना तो हमारी कोई सुनवाई हो रही, किसी को पक्के कच्चे को कोई भी हिसाब ना है जी। बताओ। अच्छा। उनमें बालक अन्य कैसे पा रहे हैं जी? हाँ। कितने लोग, कितने सदस्य घर में? उन हमने जी 7 आदमी प्राणी। अच्छा, कामगार कितने हैं? नहीं करूँ जी काम, बालक पढ़ रहे हैं जी। अच्छा जी जी। आपका नाम भाई साहब? जगदीश जी। जगदीश जी, आप तो युवा हैं और अभी आपकी कोई उम्र भी ज्यादा नहीं है। आपकी तनख्वाह कितनी है? आप कहाँ क्या काम करते हैं? मैं भी ये इन्हीं के साथ लग रहा हूँ। 6000 रुपए सैलरी है। 6000 रुपए? हाँ जी। अच्छा अच्छा अच्छा। ये बीपीएल का क्या मैटर है जो आपके राशन कार्ड वगैरह नहीं बन रहे वो है जी? आप बताइए भाई साहब। मेरा नाम हर्ष खसाना जी जी।
और यहाँ ऐसा हो रहा कि यहाँ कोई राशन दिन के कटवा दें बहुत से, अच्छा उनके ना बनाए जी, और यहाँ बीपीएल उनके हैं जो धीरे आदमी है जी, ये बात है पैसा वाले की जी, यहाँ हमारे साहब हम तो राहुल जी की जी जी क्या कह रहे थे भाई साहब आप बताओ। हमारे यू है जी बाहर को कोई भी बन जाए वो बात ना पूछे हसनपुर की, जल्दी से हम तो कहे घर को बालक बन जाए तो अपने सही है जी, जी। हमारा भी हम भी याद कह देंगे हमारी तनखा बढ़ा दे भैया। हाँ ये भाई साहब और बैठे इनसे भी बात करते जी, आप बताइए थोड़ा सा। देखो जी सर समस्या तो आप मैं बताऊँ गांव की इतनी है, हमारे जो अब तक ब्लॉक समिति के यहाँ तक सरपंच तक जो अभी तक नेता बने गाँव के अंदर जी। इतना भ्रष्टाचार फैला दिया है गाँव के अंदर के जिससे हम पूरी जनता ही हर वर्ग हर समाज का चाहे वो किसी समाज से बंदा हो सब दुखी हैं। यहाँ तक बीपीएल कार्ड तो एक बहुत नामात्र है, आज तक कोई सर्वे नहीं कुछ नहीं, किसी बंदे के पास में कोई ऐसा वो नहीं है जिसको लेकर वो किसी के पास जाए, किसी पे कोई कैसी परेशानी आती है वो किसी नेता पास जाता है यहाँ नहीं है जी, आज वो वहाँ गया किसके पास जाए, हमारे रास्ते तक साफ नहीं होते, हमारे वो साफ नहीं होते। हमारे राहुल भाई इसमें उठ के आए ब्लॉक समिति में, एक जिला पार्षद और सरपंच के बीच की कड़ी है जी। ये तो एक कोई घनी बड़ी कड़ी नहीं है, छोटी सी कड़ी है जी। लेकिन हम इस चीज को चाहते हैं कि हमारे ये भाई अपनी कड़ी पे बनकर ये दिखाएं कि मैं नेता नहीं मैं किस गांव का बेटा और विकास बोले इनका, हमें ये चाहिए। भाई वाह बहुत सुंदर भाई ने बात कही है और राहुल जी पर विश्वास जमाने की कोशिश कर रहे हैं और अच्छी बात है कि इस तरह के लोग हैं और ये समाज के उस तबके से उठकर आते हैं जहां पर ना तो इनकी दैनिक आमदनी पूरी है और ना ही इनकी मासिक आमदनी ठीक से इनको मिलती है, लेकिन फिर भी परिवार का निर्वाह करना है किसी न किसी तरह से, अपने निर्वाह के लिए कुछ न कुछ काम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इन सभी को अगर ज़रूरत है तो एक ऐसे युवाओं की ज़रूरत है, ऐसे युवा नेता की ज़रूरत है जो आज एक छोटे स्तर से चल के एक बड़े स्तर तक पहुँचे और इन लोगों की आवाज़ बन सके। धन्यवाद।